बिहार में जेएम पार्टी का खुला हैरहंज प्रखंड में कार्यालय। प्रखंड मुख्यालय हैरहंज बस स्टैंड में दलित जायसवाल के घर जेएमएम कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सर्वप्रथम पंडित भरत पांडे ने मंत्रोच्चार किया, उसके बाद प्रत्याशी ने नारियल फोड़कर पूजा संपन्न कराई। प्रत्याशी श्री बैजनाथ राम व टुनू वर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। श्री राम ने जनता को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कहा कि हम सब सरकार की इस नीति से वाकिफ हैं। पूरे प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है। जिस तरह से शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वह किसी से छुपा नहीं है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मुझे अपार मतों से विजय कराएं और हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करें। सुनैना ने अपनी कविता के माध्यम से कहा, हम नारी होकर इतना खुलकर आगे आए, हम बस आपसे यही कहेंगे कि इस बार लातेहार विधानसभा से बैजनाथ राम को अपार मतों से विजय बनाएं और हेमंत के हाथों को मजबूत करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लाडले खान, राम रक्ष गंजू, टुनू वर्मा, पुरुषोत्तम प्रसाद, विलासिनी टोपनो, सुनैना कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। लातेहार झारखंड से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। उद्घाटन समारोह पर उपस्थित हमारे गठबंधन के सभी वरीय पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, काफी समय हो गया है। समय 4 बजे का था। सबसे पहले मैं विलंब से पहुंचा, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको लंबा इंतजार करना पड़ा। चंदवा, बालूमार, उसके बाद भारियातु कार्यक्रम तय था। वहाँ कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ रही और जगह जगह पर भी कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, इस कारण से आने में विलंब हुआ है। ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जो हुजूम अभी सब जगह उमड़ रहा है और इतने संध्या समय में भी हैरहंज के विभिन्न पंचायतों से, विभिन्न गांवों से आप सब लोग भारी संख्या में यहाँ पर जमा हैं, निश्चित रूप से ये संकेत है कि ये बदलाव का क्षण है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की है बहुत विस्तार से, मैं उस विस्तार पे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इस डफोर संघ की सरकार को बदलने के लिए हमारे नेताओं ने एक मजबूत गठबंधन तैयार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का एक मजबूत गठबंधन तैयार हुआ है और उसी गठबंधन के तहत यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच प्रत्याशी के रूप में हूँ और आपसे ये अपील करने आया हूँ कि ये अवसर है, बेहतरीन समय है। देहात में कहावत है कि हड़िया का चुका हुआ सुबह शाम, खेती का चुका साल भर और इस चुनावी माहौल का चुका हुआ 5 साल। ये पिछले 5 साल का जो दौर रहा है वो आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से सरकार के स्तर पर आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर बना है तो वो जमीन का मुद्दा बना है। हमारी जमीन इनके नाम, इनकी जमीन इनके नाम और भाई भाई में लड़ाई